चलो तो अपन दूसरा आइसोमर क्या बनाए डाई मिथाइल इसको ऐसे बना सकते हैं या फिर हम मिथाइल मिथाइल ऐसे बना सकते हैं तो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ये डायनेली कट कर सकते हैं मिथाइल मिथाइल ऊपर से ऐसे पास करेंगे पीओएस से सीओएस नहीं होगा और यही जो प्लेन और इसी के कोएक्सियल एक एक्सिस ऑफ सी2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है अगर मैं यहाँ एक्स डाल के इसको 180 से घुमाता हूं तो ये वैलेंसी ऐसे लगी मिथाइल मिथाइल अप मिथायल डाउन तो 180 ऐसे घूमेगा ना ये यानी अप वाला डाउन डाउन वाला अप है ना इस तरीके से घूमेगा ये तो इसमें C2 भी है C3 नहीं है क्योंकि 120 पे ग्रुप्स नहीं है नेक्स्ट बनाते हैं नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे सिस ये बनेगा सिस तो इसमें देखो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है COS नहीं है C2 अगर हम इसको 180 एटी ऐसे घुमाएंगे तो डैश हो जाएगा C2 नहीं है C3 नहीं है ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि सेंटर भी नहीं है C2 है, C3 नहीं है C2 कैसे है, समझे आप अगर हम यहां से घुमाएंगे एक एक तो इसको 180 से घुमाएंगे हम तो एक वैलेंसी अप है एक वैलेंसी डाउन है आपने 180 घुमाया तो ऐसे घूमेगी ना तो ये जो डाउन वाली वैलेंसी है ये इधर अप जाएगी और ये जो अप वाली वैलेंसी है डाउन जाएगी एक्सिस का डाला मैंने यहां से एक्सिस डाला और 180 से घुमाया उसको तो ये हो गया हमारा सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री ठीक है वो जो हमने अभी ट्रांस लिया था उसकी बना लेते हैं मिरर इमेज मेमेज स्टील आईसोमर ना हमको ऑल मिसिंग आईसोमर्स तो उसके ट्रांस जो फोर्थ है उसकी मिरर इमेज फाइव है तो नो पीओएस नो सीओएस एस सी टू है सी थ्री नहीं है सिमिलर टू फोर्थ बस फोर एंड फाइव क्या है इनशियोमर फिर बनाएंगे हम सिक्स सिक्स क्या है हमारा ये है सिस आइसोमर सिक्स कैसे आ गया अपन सारे बनाया गया हाँ वन हमारा इथाइल फिर डाई मिथ वन वन डाई मिथाइल वन टू डाई मिथाइल वन टू डाई मिथाइल ट्रांस फिर ये ट्रांस ये सिस इसमें आएगा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये पीओएस है SiO2 नहीं है इसमें C2 भी है इस रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस डाल के वन एटी घुमाएंगे ये इधर आएगा ये इधर आएगा आप एक्सिस डाला वन एटी से घुमाया तो इसके अंदर C2 भी है और C3 नहीं है ठीक है सेवंथ क्या बनाएंगे 13 ट्रांस क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से ऐसे कट कर सकते हैं ये POS है 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 ना ना लगे हैं हैं तो तो अगर मैं connect करूंगा तो center से पास से से होगा नहीं नहीं क्यों क्योंकि डालते हैं और इसको घुमाते हैं तो ये जो बैलेंसी अप है ना तो वन एटी घूमने जैसे ये अप लगी है ये ऐसे लगा है अपन एटी के बाद ये डाउन आ जाएगा है ना ये डाउन ये और ये जो डाउन लगी है ये कहा जाएगी अप यानी इधर अगर डाउन लगी है वन एटी घुमाया तो अब गई ना ऐसे बन गई है ना तो इसका मतलब हो गया इसमें सी तो नहीं है सी है सॉरी सी तो है ही है और सी टू भी है सी थ्री नहीं है सी समझने के लिए और इजीली ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आप डायग्नली बना लो एम ई एच और यहाँ बना लो एच एम ई है ना डायग्नली आप कनेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ गया आप ठीक है तो पीओएस आ गया सीओएस आ गया सी टू भी आ गया सी थ्री भी आ गया ठीक है तो आपने चारों चीज सीख ली होगी अच्छे से और एक्सिस के लिए मैंने आपको पहले बोला मेरा एनिमेशन देख लेना आपको एक्सिस ऑफ आप सिमेट्री और उससे बेटर समझ में आ जाएगी ठीक है मिलते हैं फिर आगे और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना दोस्तों को जरूर बताना ठीक है ऐसे ही मैं यूट्यूब पर और भी कॉन्टेंट जब भी समय मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा मिलते हैं फिर आगे जय हिंद जय भारत